लॉकडाउन के दौरान दुनिया भर में कुछ अजीब अजीब से किस्से छाए हुए हैं। अब इसी कड़ी में उत्तराखंड से भी एक ऐसा मामला सामने आया है जो राज्य में कोतूहल का विषय बन गया है। ये पूरा वाकया उत्तरकाशी जिले से जुड़ा हुआ है, जहां 84 साल का बुजुर्ग अचानक 45 साल बाद अपने घर लौट आया और जिसे देखकर घर वाले हक्के बक्के रह गए। दरअसल ज्येष्ठवाड़ी गांव का एक व्यक्ति 45 साल लापता रहने के बाद रविवार अचानक अपने गांव लौट आया, जो फिलहाल क्वारंटीन के नियमों का पालन करने के लिए गांव के ही राजकीय इंटर कॉलेज ज्येष्ठवाड़ी में रह रही है। वृद्ध के रहने खाने की व्यवस्था भी वहीं की जा रही है। कोरोना महामारी लोगों को कितने रंग दिखा रही है, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ लोग अपनों से दूर हैं तो कुछ कई सालों के खोए हुए घर आ रहे हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद वो घर के पास ही बुजुर्ग के स्थायी रूप से ठहरने और खाने की व्यवस्था भी कर देंगे। उधर वृद्ध ने बताया कि वो जालंधर के ब्यास में एक गुरुद्वारे में रह रहा था। लॉकडाउन के चलते गुरुद्वारा बंद होने पर वो सोलन हिमाचल प्रदेश पहुंच गया। वहां से प्रशासन ने उसे उत्तरकाशी भेजने की व्यवस्था की। जी क्या है, कल शाम को आपके यहाँ आपके दादाजी आए दूर से, कितने सालों बाद आए? बहुत सालों से, 48-50 सालों से पहले फरार हो गए थे दादाजी जी। तो कल ऐसे ऐसे वो क्या सुना, तहसीलदार साहब विजेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हमको सूचना मिली है कि तुम्हारे दादाजी सोलन में हैं और उनको वहाँ से भेजा, घर भेजा जा रहा है और आपने थोड़े दिन तक क्वारंटाइन में रखना है जी, उसके बाद अपने घर ले जाना है। तो कल जैसे गाड़ी यहाँ पे आई तो हमने उनको क्वारंटाइन में रखा है अभी और उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद और दिन बाद अपने घर लेके जाएंगे। इतने सालों बाद आए तो क्या खुशी का कैसा माहौल है घर में? खुशी तो होगी पर थोड़ा लोग खुश नहीं है घर वाले, कि बोल रहे थे कि अब इतने सालों बाद आ रहे हैं, आज तक उन्होंने हमारे दुख सुख में साथ नहीं दिया या रहे नहीं यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा दुखी भी है पर धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। बता दें कि चौहान शनिवार को अपने पैतृक गाँव लौट आए, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने लौटने पर खुशी नहीं जताई। उनके परिवार में उनकी 68 वर्षीय पत्नी और दो बेटे शामिल हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।